बैक टू यूपीएससी अखाड़ा। आज हम डिस्कस करेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक रीसेंट लैंडमार्क जजमेंट के बारे में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार और भारत सरकार के बीच में चल रहे 8-10 साल पुराने विवाद को सोल्व कर दिया। 2016 में यूपीएससी ने इस पे मेंस में क्वेश्चन पूछा हुआ है। इस बार जो जजमेंट का मेन मुद्दा था वो था ब्यूरोक्रेसी के ऊपर कंट्रोल किसका होगा, कंट्रोल ओवर ब्यूरोक्रेसी। जितने भी आईएएस ऑफिसर्स हैं या ज्वाइंट कैडर ऑफिसर्स हैं दिल्ली में जो काम कर रहे हैं, उनके ऊपर कंट्रोल, उनके ऊपर सुपरविजन किसका होगा, इलेक्टेड दिल्ली गवर्नमेंट का होगा या अपॉइंटेड एलजी का होगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो कि एक प्रेसिडेंट के एजेंट के रूप में काम करते हैं। प्रेसिडेंट का मतलब यहाँ यूनियन गवर्नमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पे क्या जजमेंट दिया? सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जितनी भी सर्विसेज हैं और ऑफिसर्स हैं जो दिल्ली में काम कर रहे हैं, एक्सेप्ट दीज थ्री, लैंड पुलिस एंड लॉ एंड ऑर्डर, इससे संबंधित कोई भी ऑफिसर, इन तीन को छोड़ के सारे किसके अंडर में, किसके कंट्रोल में, किसके सुपरविजन में काम करेंगे? दिल्ली सरकार के, जो चुनी हुई सरकार है वो, ना कि अपॉइंटेड एलजी के या सेंट्रल गवर्नमेंट के। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में बताया। तो चलिए जान लेते हैं कि इस पूरे विवाद के पीछे बैकग्राउंड क्या है, इसका इसका इश्यू क्या है। देखिए, 1987 में एक बालाकृष्ण कमेटी बनाई गई, जिसके सामने मेन मुद्दा ये था कि दिल्ली को स्टेट बनाया जा सकता है, कि इसकी फिजिबिलिटी कितनी है, स्टेटहुड के बारे में इसके सामने क्वेश्चन था। और इसी की रिकमेंडेशन, इसी की रिपोर्ट के बाद में कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया, 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आ गए। इस अमेंडमेंट से कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक आर्टिकल इंसर्ट किया गया, 239 कैपिटल ए, कैपिटल ए। इस आर्टिकल में सब मेंशन है जो दिल्ली के पास आज पावर है। इस आर्टिकल में बताया गया कि दिल्ली को एक स्पेशल स्टेटस दिया जाएगा, अनलाइक अदर यूनियन टेरिटरीज, और दिल्ली कहलाएगी नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। दूसरा, दिल्ली की एक लेजिस्लेटिव बॉडी होगी, उसके अंदर 70 मेंबर्स होंगे, दिल्ली का एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा, एक चीफ मिनिस्टर होगा, पार्लियामेंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग ये काम करेंगे, और दिल्ली के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनका नाम होगा ल्यूटिनेंट गवर्नर। और जो लेजिस्लेटिव बॉडी है, इसके पास क्या पावर होंगी? इस लेजिस्लेटिव बॉडी के पास एक स्टेट की तरह सारी वो पावर्स होंगी जो कि स्टेट लिस्ट में लेजिस्लेट कर सकती है उन सब्जेक्ट्स के ऊपर, एक्सेप्ट दीज थ्री, पुलिस, पब्लिक ऑर्डर एंड लैंड। इसी के साथ इस आर्टिकल में ये बताया गया कि एलजी का डिस्क्रिशन कितना होगा, स्टेट के गवर्नर के कंपैरिजन में ये बहुत ज्यादा है। अगर यहाँ कोई डिस्प्यूट हो जाता है इलेक्टेड गवर्नमेंट दिल्ली सरकार के बीच में या एलजी के बीच में, तो ऐसे डिस्प्यूटेड मैटर को एलजी किसके पास ले जाएंगे? प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग फिर काम करेंगे। और ये इनका डिस्क्रिशन है कि किस बात पे डिस्प्यूट हो गया। इसके बाद मेन मुद्दा यहाँ आता है कि जो स्टेट लिस्ट आप देखते हैं 7th शेड्यूल के अंदर, जो तीन लिस्ट हैं, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट, इसमें स्टेट और कॉन्करेंट के ऊपर तो दिल्ली सरकार बना सकती है किसी भी मुद्दे पे लॉ अकॉर्डिंग दीज थ्री, बट इस स्टेट लिस्ट के अंदर एक एंट्री है, एंट्री 32, इसमें मेंशन है स्टेट सर्विसेज या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो क्या स्टेट सर्विसेज के ऊपर इस एक्ट के अकॉर्डिंग, इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग दिल्ली सरकार का कंट्रोल है? बट दूसरी ओर देखें तो यूनियन टेरिटरीज के पास अपनी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं है। यहां पे ये पूरा मुद्दा बनता है। इट इज मोर ऑफ मोर कॉन्स्टिट्यूशन देन पॉलिटिकल। इस पूरे मुद्दे का जो ट्रिगर पॉइंट था वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का 2015 का नोटिफिकेशन। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अपने 2015 के एक नोटिफिकेशन में बताया कि सर्विसेज जो भी हैं उनके ऊपर कंट्रोल किसका होगा? यूनियन गवर्नमेंट का, ना कि दिल्ली सरकार का। अब इलेक्टेड गवर्नमेंट है, कंट्रोल कोई और करा ब्यूरोक्रेसी को, तो किस तरह से लोगों को जवाब दे पाएंगे वो? अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिबल जो गवर्नमेंट की बात हम करते हैं वो कैसे हो पाएगी? इसी बात को लेके आम आदमी पार्टी हाई कोर्ट में चली गई। हाई कोर्ट ने इस 2015 के जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के जो नोटिफिकेशन था उसको सही ठहराया। आम आदमी पार्टी ने इसको अपील किया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट की 3 जजेस की बेंच के बाद में स्प्लिट जजमेंट आया, उसके बाद में फिर ये 5 जजेस को भेजा गया कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट सुनाया जिसमें लगभग पूरा मामला दिल्ली सरकार के फेवर में बताया गया, पर सर्विसेज को लेकर अभी भी एम्बिग्यूटी थी। ये बात चलते चलते 2023 तक पहुंचने वाली है। उसी बीच में ऐसी बहुत सारी खबरें आने लगी कि दिल्ली सरकार में जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं
वो दिल्ली गवर्नमेंट की बात नहीं मानते हैं। गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली ऑफिशियल्स इनडिफरेंट टू इलेक्टेड गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट वर्सेस एलजी, सिविल सर्वेंट नॉट टेकिंग कॉल्स, फोन तक उनका नहीं उठा रहे, उनकी मीटिंग्स में नहीं आ रहे हैं, वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है, पब्लिक हेल्थ एजुकेशन की प्रॉब्लम है, तो जो उस डिपार्टमेंट के हेड हैं वो उस मिनिस्टर की बात नहीं सुन रहे हैं। ये चीफ सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली, डे आफ्टर रिफ्यूजिंग टू अपियर बिफोर द पिटीशन कमिटी ऑफ दिल्ली असेंबली क्वेश्चनिंग हिज अथॉरिटी टू समन हिम, कि वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि तुम्हारे पास क्या अथॉरिटी है, मुझे बुला रहे हो आप, ये अथॉरिटी एलजी के पास होनी चाहिए, वी आर अकाउंटेबल टू लेफ्टिनेंट गवर्नर। सिसोदिया एलिग्स दैट दिल्ली ब्यूरोक्रेट्स नॉट अटेंडिंग द मीटिंग्स, और यहां पे अरविंद केजरीवाल जी बहुत नाराज हैं। ठीक है, इसके बाद ये मामला जाता है सुप्रीम कोर्ट में, जो कि अभी जजमेंट आपके सामने आया है। इस विवाद के अंदर यूनियन गवर्नमेंट के क्या तर्क थे, क्या आर्ग्यूमेंट थे, यूनियन गवर्नमेंट ने क्या बोला सुप्रीम कोर्ट के सामने। सबसे पहले यूनियन गवर्नमेंट बताया कि आर्टिकल पार्ट 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके अंदर पार्ट 14 अगर आप देखेंगे तो उसमें है पब्लिक सर्विसेज और पब्लिक सर्विस कमीशन। तो यूनियन गवर्नमेंट ने कहा कि हमारे पार्ट 14 में जो सर्विसेज की बात है वो केवल यूनियन और स्टेट की बात है, वो कहीं भी यूनियन टेरिटरी का मेंशन नहीं है। दूसरी बात, आर्टिकल 239 कैपिटल ए, यहां लिखा है सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लेजिस्लेटिव असेंबली के पास ये पावर्स होंगी। और सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मतलब पार्ट 14, जिसके अंदर यूनियन टेरिटरी के पास स्टेट सर्विसेज या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होने की कोई बात नहीं है। वहां केवल आप पढ़ेंगे अगर पार्ट 14 को तो वहां लिखा है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, बट यहां कहीं भी नहीं लिखा हुआ यूनियन टेरिटरी पब्लिक सर्विस कमीशन। ये आर्ग्यूमेंट्स गवर्नमेंट की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे कि यूनियन टेरिटरी आर नॉट लाइक स्टेट, यूनियन टेरिटरी आर टेरिटरीज ऑफ द यूनियन, दे आर गवर्न और एडमिनिस्टर्ड बाय द प्रेसिडेंट थ्रू एन एडमिनिस्ट्रेटर, और ऐसा ही दिल्ली में होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट इसके ऊपर आता है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा द रियल पावर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मस्ट रिसाइड इन द इलेक्टेड आर्म ऑफ द स्टेट। रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के प्रिंसिपल को एस्टेब्लिश करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो एक्चुअल पावर है, रियल पावर, वो किसके पास होनी चाहिए, डी फैक्टो पावर, वो इलेक्टेड आर्म के पास होनी चाहिए, ना कि अपॉइंटेड आर्म के पास। एनसीटीडी हैव एस्यूम जनरेसिस फेडरल मॉडल, ये यूनिक मॉडल अपने आप में, जो कि 239 कैपिटल ए आर्टिकल प्रोवाइड करता है नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली को। दिस इज अनलाइक पुडुचेरी और एनी अदर यूनियन टेरिटरी, ये बिल्कुल अलग है, ये स्पेशल स्टेटस है। इट इज मोर देन ए यूनियन टेरिटरी, इट इज नॉट इक्वल टू स्टेट बट मोर देन एन यूनियन टेरिटरी, ये सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे कहा। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ एनसीटीडी इज को एक्सटेंसिव विद द लेजिस्लेटिव पावर, कि जितनी भी लेजिस्लेटिव पावर हैं, जो तीन सब्जेक्ट हमने बोले कि लैंड पुलिस और पब्लिक ऑर्डर को छोड़ के जितने भी स्टेट सब्जेक्ट हैं जिस पे लेजिस्लेटिव पावर है विधानसभा की, तो वहां की गवर्नमेंट के पास को एक्सटेंसिव उन्हीं के बराबर एग्जीक्यूटिव पावर भी है। द लेफ्टिनेंट गवर्नर शैल बी बाउंड बाय द डिसीजन ऑफ जीएनसीटीडी ऑन सर्विस मैटर्स। तो सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली ये क्लियर कर दिया कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो बाउंड होंगे जो भी एडवाइस उनकी होगी, एड एंड एडवाइस सीएम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द सीएम की, इंक्लूडिंग सर्विस मैटर्स। क्या मैटर्स इसके अंदर, किसी का ट्रांसफर करना है, किसी को मीटिंग में बुलाना है, किसी से कोई फाइल मंगवानी है, किसी को कोई ऑर्डर देना है, सर्विस कंडीशन की बात है, ये सब मामले पहले किसके पास जाते थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास। और यूनियन गवर्नमेंट चाहती भी ये थी कि किसी तरह से दिल्ली गवर्नमेंट को, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज की सरकार है यहाँ पे, आम आदमी पार्टी के आने से पहले इस तरह के विवाद यहां वहां नहीं होते थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां ये पूरा मामला सोल्व कर दिया है। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रिंसिपल बताया, ट्रिपल चेन ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव है, परमानेंट एग्जीक्यूटिव जो ब्यूरोक्रेसी है आपकी, वो अगर मिनिस्टर्स की बात नहीं मानेंगे, इलेक्टेड गवर्नमेंट की बात नहीं मानेंगे, तो दिस विल बी अ वायलेशन ऑफ ट्रिपल चेन ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या है ये ट्रिपल चेन ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें ये बताया सुप्रीम कोर्ट ने कि सिविल सर्विस ऑफिसर्स आर अकाउंटेबल टू और रेस्पॉन्सिबल टू द मिनिस्टर्स, एंड मिनिस्टर्स आर रेस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर इन ए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट।
कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पढ़ते हो ना कॉन्स्टिट्यूशन में, इलेक्टेड गवर्नमेंट जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रेस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। इन द सेम वे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रेस्पॉन्सिबल टू द विधानसभा इन स्टेट्स। लेजिस्लेचर इज देन अकाउंटेबल और रेस्पॉन्सिबल टू द पब्लिक। तो ये तीन चेन है, ये ब्रेक हो जाएंगी अगर शुरुआत यहीं से गड़बड़ होगी तो, कि ब्यूरोक्रेसी मिनिस्टर्स की बात नहीं मान रही है। इट मीन्स दे आर डिसरिगार्डिंग द विल ऑफ द पीपल, कि जिन लोगों ने चुन के मिनिस्टर को वहां भेजा है, जिनके साथ में कोऑपरेशन में काम करना है ब्यूरोक्रेसी को, जो वहां के आईएएस हैं, ज्वाइंट कैडर ऑफिसर्स हैं, अगर वो उनके प्रति अकाउंटेबल नहीं होंगे, रेस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, उनकी बात नहीं मानेंगे, इट मीन्स इनडायरेक्टली दे आर डिसरिगार्डिंग द विल ऑफ द पीपल। तो ये ट्रिपल चेन ऑफ अकाउंटेबिलिटी को मेंटेन करना बहुत जरूरी है, जिससे दिल्ली की जनता को जो गुड गवर्नेंस के वादे हम कर रहे हैं उसका लाभ प्राप्त हो और ट्रस्ट और फेथ बढ़े गवर्नमेंट के अंदर कि हमारे मिनिस्टर की बात तो मानते हैं। ठीक है, इसी जजमेंट के बाद में केजरीवाल साहब ने बहुत सारे ऑफिसर्स का वहां ट्रांसफर कर दिया, और इससे अभी ये लग रहा है कि जो पावर्स दिल्ली सरकार के पास नहीं थी, वो अब पावर्स उनके पास वापस आ गई हैं, ये मिल गई है, एक तरह से आम आदमी पार्टी की जीत मानी जा रही है। बट अभी भी जो तीन सब्जेक्ट हैं, लैंड, पुलिस और पब्लिक ऑर्डर, ये दिल्ली सरकार के या लेजिस्लेटिव असेंबली के बाहर हैं, और अगर इन्हें पाना है तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना होगा। यूपीएससी किस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ सकती है इसमें, द रीसेंट जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रिगार्डिंग सुप्रीमेसी बिटवीन जीएनसीटीडी एंड द यूनियन गवर्नमेंट रिगार्डिंग कंट्रोल ऑफ सर्विसेज विल हैव फार रीचिंग इंप्लीकेशन ऑन फेडरल एंड रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ इंडियन पॉलिटी। लगभग इसी तरह का सवाल 2016 में पूछा गया था कि जो भी इश्यू आया, सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट आया कि कोई भी एक्टिविटी या इवेंट हुआ है पॉलिटी के अंदर, तो उसके इंप्लीकेशन किसी प्रिंसिपल के ऊपर कैसे होंगे, जैसे फेडरल प्रिंसिपल, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, लिमिटेड गवर्नमेंट, इनके ऊपर किस तरह से असर पड़ेगा। तो हम एक शॉर्ट में अगर इसके इंप्लीकेशन बताना चाहें जो जजमेंट है, तो हम कह सकते हैं रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के ऊपर इन सब मुद्दों पर असर पड़ने वाला है, और फेडरल स्ट्रक्चर के ऊपर भी इसका इंपैक्ट होगा। ट्रिपल चेन ऑफ कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी, रिगार्ड टू द विल ऑफ पीपल बाय द ब्यूरोक्रेसी, रेस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल ब्यूरोक्रेसी, गुड गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड लिमिटेड गवर्नमेंट, पार्टीशन पॉलिटिक्स जो चल रही थी कि किसी तरीके से यहां के ऑफिसर्स को काम ना करने दिया जाए, फिर बाद में पार्टी को बदनाम कर देंगे, तो उसमें कमी आएगी। लिबरल इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट के वर्ड्स फाइनल हैं एज फार एज द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसिडर्ड, तो यहां एक लिबरल इंटरप्रिटेशन हुआ है। पीपल ट्रस्ट एंड फेथ इन इलेक्टेड गवर्नमेंट, तो ये सब मुद्दे इसके इंप्लीकेशन में आएंगे, इसके पॉजिटिव नेगेटिव हैं। फेडरल स्ट्रक्चर में बोलें तो इसकी ऑटोनोमी जो मिली है दिल्ली सरकार को बड़ी है, ऑटोनोमस एक तरह से जो स्टेट्स की स्टेटहुड की डिमांड है, वहाँ स्टेट में होता क्या है, पूरी ऑटोनोमी उनके पास होती है, चीफ सेक्रेटरी कौन होंगे, आपके आईजी कौन होंगे, और ब्यूरोक्रेसी में कौन होंगे, आप न्यूज़ में पढ़ते रहते होंगे आज इतने आईएएस का ट्रांसफर कर दिया, इतने आईपीएस का, तो वो सारी अथॉरिटी चीफ मिनिस्टर के पास है, तो वही अथॉरिटी अब केजरीवाल साहब को मिल गई है। प्रेसिडेंस फॉर द अदर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, अगर किसी तरह का फेडरल प्रिंसिपल में डिस्टर्बेंस आती है तो इस तरह का केस को साइट करके बताया जा सकता है कि वहां सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला। कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म की भावना को बढ़ावा एंड डिमांड फॉर फुल स्टेटहुड की तरफ एक और कदम, तो ये इसके इंप्लीकेशन है, जिसे डिटेल में आपने बताना होता है अगर आपको 250 वर्ड्स में या 150 वर्ड में आंसर लिखना है। तो इस क्वेश्चन के बारे में और इस क्वेश्चन के आंसर के को लेके या इंप्लीकेशंस की डिटेल को लेके अगर आपको और जानना है, तो आप हमारी प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करें, वहां सब हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें अगली इंपॉर्टेंट न्यूज के लिए। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग मी, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।